हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी नव भारती स्टडी सर्किल। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटेंस निकालना है हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो कैपेसिटर था वो क्या था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो भी एक कंडक्टर लिया है हमने, उसको क्या करेंगे, उसको कैपेसिटेंस इंक्रीज करनी है उसकी, तो उसके पोटेंशियल को डिक्रीज करेंगे विदाउट इंक्रीजिंग इट्स साइज। तो बिना साइज इंक्रीज किए किसी भी कंडक्टर की, हम उसके अगर पोटेंशियल को क्या कर दे, डिक्रीज कर दे, तो उसके कैपेसिटेंस को हम इजीली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। दूसरी बात कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होगा। हमें क्या करना है, दो प्लेट्स लेनी है। उसके प्रिंसिपल में हमने बात कर ली थी कि किस तरह से हम कैपेसिटेंस को इंक्रीज करेंगे पोटेंशियल को डिक्रीज करने के लिए। तो जब भी किसी ए प्लेट को क्या किया जाता है, बैटरी के पॉजिटिव से हम उसको अटैच करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होता है, उस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। तो जब उस प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं तो वहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम दूसरी प्लेट की, तो जब उसको हम नेगेटिव से जोड़ते हैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, तो क्या होगा, उस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। तो क्या बात हुई यहाँ पर कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ए प्लेट से निकले हैं उतने ही नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर आ जाते हैं, बी पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब वो प्लेट्स क्या हो चुकी है, चार्ज्ड हो चुकी है जब हमने उससे बैटरी से कनेक्ट किया। अब बात आती है कि जो चार्ज होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों पर कितना होगा, सेम होगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमने बात की कि प्लेट का साइज एंड शेप जो है वो इक्वल है, एरिया इक्वल है। तो क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी प्लेट पर आ रहे हैं, तो चार्ज भी सेम हो गया। तो यहाँ पर चार्ज सेम है, दूसरी बात एरिया सेम है, और क्या है, वो प्लेट है। तो प्लेट के लिए हम तीन टाइप्स पढ़ते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। तो यहाँ चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे हो रहा है, एक सरफेस पर हो रहा है, एक प्लेट पर हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी काउंट करते हैं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस। एस किसके लिए आता है, एरिया के लिए आता है। या तो हम एस लिख सकते हैं या फिर हम ए लिख सकते हैं, दोनों को ही क्या कंसिडर करेंगे, हम एरिया कंसिडर करेंगे जो कि उस प्लेट का एरिया है। अब दोनों प्लेट पर एरिया सेम है और चार्ज क्या है, सेम है, तो दोनों की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो भी सेम होगी। लेकिन इस पे क्या होगा कि वो सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है लेकिन चार्जेस क्या है, ओपोजिट है। प्लेट ए पर पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर पॉजिटिव सिग्मा हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखेंगे, लेकिन प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज होने के कारण वहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी हम माइनस सिग्मा लिखेंगे। तो अब हम देख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, देन हमें कैपेसिटेंस इसका मेजर करना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए वही फॉर्मूला अपन यूज करेंगे, सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी। अब हमें जरूरत है पोटेंशियल निकालने की, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसे होता है और कैसे हम वी पोटेंशियल उस पे डिराइव करेंगे, और उस वी पोटेंशियल को डिराइव करने के बाद कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में उसको पुट करना है, देन कैपेसिटेंस का अपने पास फॉर्मूला निकल जाएगा। तो देखते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेट ए की। ये प्लेट ए है हमारे पास और ये प्लेट क्या है, बी प्लेट है, और इसको अगर हम किसी सर्किट में लगाते हैं तो उस सर्किट में सिर्फ आप इसको दो लाइन से, दो पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो हम लिख देंगे माइनस क्यू चार्ज। एरिया दोनों प्लेट्स का सेम है, चार्ज दोनों पर सेम है लेकिन ओपोजिट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इस पर प्लस सिग्मा और इस पर माइनस सिग्मा। दूसरी बात हम क्या कर लेते हैं,
कि ये क्या रहेगी, पैरेलल रहेगी, इसलिए हम क्या कह देंगे इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कह देंगे इसका जो ये अरेंजमेंट है। और साथ साथ हम बात करेंगे कि ये दोनों ही प्लेट्स एक वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होती है, वो डिस्टेंस हम लिखते हैं स्मॉल डी, जो कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, स्मॉल डी होगी। तो कैपेसिटर्स की दोनों प्लेट्स का इस तरह का अरेंजमेंट जिसमें ये बहुत कम डिस्टेंस पर सिचुएटेड है, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कैपेसिटेंस की, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, C इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, V निकालना है, V इक्वल्स टू ई डी, ये फॉर्मूला हो गया, E और पोटेंशियल V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में हम एक रिलेशन डिराइव कर चुके हैं जो कि पिछले हम वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर डिस्टेंस, इन दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो हमने d कंसीडर की है, तो E मल्टीप्लाई डी आ जाएगा। यहाँ पर E इलेक्ट्रिक फील्ड अब हमें डिराइव करना है, तो दोनों प्लेट्स के कारण इसके मिडल में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है, वही हमें निकालना है। देखो, एक प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल लेते हैं, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला कैसे आया ये हमने बात कर ली थी पहले ही, ई टू, ये पूरा डेरिवेशन से डिराइव होता है फॉर्मूला, ई वन इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ई टू के कारण भी क्या होगा, सेम होगा मैग्नीट्यूड, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का क्या करना है, एड करना है। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 प्लस E2, देन दोनों को हम ऐड कर देंगे, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्या हो गया, ये हाफ है, ये हाफ है, वन हो गया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हम इसको लिख सकते हैं। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमने कंसीडर कर ली है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया है, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले में हमें इसको पुट करना है। दूसरी चीज, यहाँ पर हमारे पास सिग्मा आ रहा है जो कि क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब इसका भी फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस, या फिर हम एरिया के लिए ए भी लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने, तो यहाँ पर ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि हम चार्ज को कैपिटल क्यू लिख रहे हैं, कैपिटल क्यू ले हो तो सब जगह आपको कैपिटल क्यू ही लिखना है, अगर स्मॉल क्यू ले रहे हो तो सब जगह आपको स्मॉल क्यू से ही डिनोट करना है, तो कैपिटल क्यू ले लो। अब यहाँ पर हमने बात की Q, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं सिग्मा की, Q अपॉन A पुट कर दिया, एंड डिवाइड में एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ रही है वैल्यू, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई थर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पुट करेंगे, V इक्वल्स टू ई डी है, तो यहाँ E का फॉर्मूला हमारे पास ये है, मल्टीप्लाई कर देंगे D से, ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी आ गई, फोर्थ इक्वेशन आ गई। इस V को हमें पुट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या होगा, C इक्वल्स टू Q अपॉन V, तो V का ये फॉर्मूला हमें पुट करना है, क्यू डी अपॉन A एप्सिलॉन नॉट है तो वो कहाँ आ जाएगा, डिवाइड के ऊपर आ जाएगा, Q से Q कैंसिल आउट, C का हमारे पास फॉर्मूला है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन आ गई। तो देखिए स्टूडेंट्स, करना क्या था, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सबसे पहले अरेंजमेंट देखना है, दो प्लेट्स हैं, बैटरी के पॉजिटिव से हमने इसको जब जोड़ा तो ए प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, पॉजिटिव चार्ज आ गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन्स प्लेट बी जो है वो ले लेती है, तो चार्ज जो है वो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, लेकिन चार्जेस जो है वो ओपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, और दोनों ही प्लेट्स शेप एंड साइज में क्या होगी, सेम होगी, एरिया सेम होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड उस पर क्या है, सेम है, और वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर वो सिचुएटेड है, तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट क्या हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया। यहाँ हमें बात करनी थी कैपेसिटेंस की, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला अप्लाई किया, इस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला अप्लाई किया, इस पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो दोनों प्लेट्स के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गए। और यहाँ हमने बात की, जैसे इसके प्लेट्स के बीच में हमने मान लिया एयर एंड वैक्यूम है या फिर फ्री स्पेस है, तो एयर वैक्यूम में हम बात करते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि दोनों प्लेट्स के कारण जनरेट हो रहा है इसके मिडल में। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास इतना आ गया।
अब सिग्मा निकालना है हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का हमने फॉर्मूला अप्लाई किया क्यू अपॉन ए, ये फॉर्मूला बन गया ई का, ये वैल्यू हमने पुट की किस में, वी के फॉर्मूले में, वी हमारे पास इतना आ गया। अब वी को हमें पुट करना है किस में, सी के फॉर्मूले में, तो हमारे पास फाइनल जो फॉर्मूला आता है कैपेसिटेंस का वो कितना आता है, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसकी वैल्यू फिक्स है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। लेकिन यहाँ पर आ रहा है एरिया, प्लेट्स का एरिया आ रहा है और दोनों प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस आ रही है। इसका सीधा मतलब क्या है कि जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है प्रपोर्शनली प्लेट के एरिया पर और इनवर्सली प्रपोर्शनली किस पर डिपेंड करता है, डी पर। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के लिए। अगर हम क्या करें, दोनों प्लेट्स की बीच की जो डिस्टेंस है बहुत कम रखें या फिर डिस्टेंस को हम क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, तो क्या होगा, प्लेट का जो कैपेसिटेंस है, जो भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात करते हैं हम एरिया की, अगर हम क्या करें प्लेट का एरिया बढ़ा दें या साइज बढ़ा दें तो क्या होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। लेकिन हम डेफिनेशन में बात कर चुके हैं कि बिना एरिया बढ़ाए भी कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। बिना साइज बढ़ाए प्लेट्स का हम उस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटी है चार्ज को एब्जॉर्ब करने की, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। किस तरह से, पोटेंशियल को इंक्रीज करके, वही हमने उसके डेफिनेशन में पढ़ा, वही हमने उसके प्रिंसिपल पे पढ़ा है। तो कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल है वो यही कहता है हमें, कैपेसिटर के जो प्लेट्स है उसके साइज को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है। अगर बिना इंक्रीज किए हम क्या करें, चार्ज को क्या रख ले, कांस्टेंट रख ले, तो कांस्टेंट चार्ज पर अगर पोटेंशियल को इंक्रीज करें तो कैपेसिटेंस ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सॉरी पोटेंशियल को डिक्रीज करें तो क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला में हम देखते हैं ना कि सी इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी, वी को जब डिक्रीज किया जाता है तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। तो आज का हमारा यही टॉपिक था, हमने इसमें एयर वैक्यूम की बात तो कर ली, लेकिन अगर मान लो दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जो कि एक मीडियम क्रिएट कर रहा है, तो मीडियम के लिए ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, क्या फॉर्मूला आएगा। देखिए अगर हम बात करें एयर वैक्यूम की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आता है, सी इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। लेकिन अगर कोई मीडियम है तो मीडियम के लिए हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन एम आ जाएगा और एप्सिलॉन एम क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, ये लिखा जाता है। ये क्या है, मीडियम की परमिटिविटी, ये है हमारे पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, ये हमारे पास है रिलेटिव परमिटिविटी। तो जब हम मीडियम की बात कर रहे हैं कि दोनों प्लेट्स के बीच में मीडियम कैसा होगा, मीडियम होगा हमारे पास कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो हम क्या लिखते हैं, मीडियम की परमिटिविटी लिखते हैं। इस एप्सिलॉन नॉट की जगह मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी और ये किस फॉर्म में निकलेगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के फॉर्म में, क्योंकि हमें बेसिकली न्यूमेरिकल्स में भी जो वैल्यूज मिलती है वो ई आर रिलेटिव परमिटिविटी की मिलती है। और एप्सिलॉन नॉट हमें मालूम है कि परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या होता है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 होता है। तो डायरेक्ट हम इन दोनों के वैल्यूज पुट करके एप्सिलॉन एम निकाल सकते हैं, या फिर एप्सिलॉन एम अगर डायरेक्ट दे रखा है तो डायरेक्ट वही वैल्यू हमें पुट करनी है। लेकिन फॉर्मूले में हम क्या लिखते हैं, सी एम, मीडियम के लिए अगर कैपेसिटेंस हम मेजर करेंगे तो एरिया तो आ जाएगा, इसकी जगह ये आएगा और इसके लिए हम एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन टी लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला है किसके लिए, एयर वैक्यूम के लिए। एंड ये जो फॉर्मूला हमारे पास आता है वो किसके लिए है, अगर दोनों प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम है, कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने क्या समझा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट कैसा है और कैसे हम उसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बनते हैं, कैसे वो बैलेंस होते हैं। दूसरी चीज़ कि चार्ज अगर सेम है तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी, बस पॉजिटिव एंड नेगेटिव का फ़र्क है। दूसरी चीज़ कैपेसिटेंस हम कैसे निकालते हैं, दो कंडीशन अप्लाई की, एयर वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस है वो क्या आता है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, एरिया एंड डी पे किस तरह से डिपेंड करता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, अगर हम एरिया बढ़ाएंगे
तो क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा। अगर हम डी दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो इस तरह से हम बात करते हैं, मीडियम के लिए भी ले लेते हैं, मीडियम के लिए ये फॉर्मूला आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।